खुश आमदीद दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर के तमाम इजला की जियोग्राफी, दरियाओं और मौसमी खसूसियात पर बात करेंगे। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प होने जा रही है, हमारे साथ आखिर तक रहें। चलें शुरू करते हैं। आज़ाद जम्मू और कश्मीर 73 से 75 दर्जे तूल बल्द और 33 से 36 दर्जे अर्ज बल्द में आती है। अगर आप अर्ज बल्द और तूल बल्द से नावाकफ हैं तो आपको बताते चलें कि तूल बल्द को अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूड कहते हैं जबकि अर्ज बल्द को अंग्रेजी में लैटिट्यूड कहते हैं। दरअसल ये हतूत हैं जिनकी मदद से किसी भी मकाम का खत्ते इस्तवा या इक्वेटर से फासला मापा जाता है। वापस आते हैं। आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर हिमालयन बेल्ट के अंदर आती है। जुग्राफियाई लिहाज से रियासत का ज़्यादातर इलाका पहाड़ी है। गहरी खाइयाँ, ऊँचे पहाड़, वादियाँ, कोहस्तान और नाहमवार ज़मीन पर मुश्तमिल है। रियासत का शुमाली इलाका हिमालयन जोन बनाता है जहाँ फलक शगाफ पहाड़ और तंग वादियाँ हैं। ऊंची डलवाने चौड़ी होती हुई अपर अल्पाइन चरागाहों को तश्कील करती हैं। शमाल की तरफ ऊंचे पहाड़ों में नांगा पर्वत पहाड़ी सिलसिले की शाहें हैं और उनका बुलंद तरीन पॉइंट 6,359 मीटर है। ये फिगर तमाम MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपर हिमालिया के बाद सब हिमालयन आता है जो नीलम वैली का जैली इलाका बनाता है। इसके बाद जैली हिमालिया शुरू होता है जो वादी नीलम को सब हिमालिया से अलग करता है। आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर के शुमाली अजला नीलम, मुजफ्फराबाद, बारेली, पुंछ और सुदनुती पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है जबकि जनूबी अजला कोटली, मीरपुर और बिम्बर डलवानी या ज्यादातर मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल है। पहाड़ी इलाकों का मौसम अमूमन अनस्टेबल रहता है जो पैदावार के लिए गैर मौजू है क्योंकि वहाँ मौसम अक्सर खराब रहता है जबकि डलवानी और मैदानी इलाकों में इको सिस्टम अच्छा है और पैदावार को सपोर्ट करता है। पूंछ, दुनती से नीलम और जहलम दरियाओं की तरफ मुजफ्फराबाद तमाम तर इलाका पहाड़ी है। यहाँ मौजूद पहाड़ों की ऊंचाई 1800 से 2750 मीटर तक है। जनूबी अजला के इलाका जात की जमीन पंजाब की जमीन से काफी मिलती जुलती है। मीरपुर, बिम्बर और जिला कोटली की अक्सर जमीन पुरानी चट्टानों से मिलकर बनी है जो ठोस पहाड़ी सिलसिले बनाती है और खुद को तंग वादियों से जुदा करती है। अब आते हैं दरियाओं की तरफ। आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर के तीन अहम दरिया हैं, नीलम, जहलम और पूंछ। नीलम की बात करें तो ये जहलम दरिया की नहायत अहम ट्रिब्यूटरी है। इस दरिया को किशन गंगा भी कहा जाता है। ये 2 मील के मकाम पर आकर दरियाए जहलम से मिल जाता है। दरियाए नीलम के सोर्स की बुलंदी 18,093 फीट है। जहलम की बात करें तो ये आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर का सबसे बड़ा दरिया है। ये अनंतनाग के चश्मा वैरी नाग से निकलता है जो भारतीय ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में है। ये चकोटी के मकाम पर आज़ाद कश्मीर में दाखिल होता है और फिर वादिय जहलम बनाता हुआ जनूब से शमाल की तरफ हटियां से गुजरकर मुजफ्फराबाद पहुंचता है जहां 2 मील के मुकाम पर इसके साथ नीलम दरिया मिल जाता है। दरिया जहलम के अपने सोर्स से मंगला डैम तक की लंबाई 650 किलोमीटर है जबकि हेड ट्रेमो तक इसकी कुल लंबाई 750 किलोमीटर है। इसके बाद आते हैं पूंछ दरिया की तरफ जो पीर पंजाल पहाड़ी सिलसिले से निकलता है और फिर पूंछ शहर की तरफ से होता हुआ आज़ाद कश्मीर में दाखिल होता है। यहाँ हम आपको बताते चलें कि पूंछ का शहर मकबूजा कश्मीर के अंदर है जबकि उसके बाकी इलाका जात आज़ाद कश्मीर के अंदर आते हैं। इसके बाद यह जिला कोटली में दाखिल होता है और कोटली शहर के साथ से गुजरता हुआ गुलपर हाइडल प्रोजेक्ट और फिर जाकर दरियाए जहलम से चौमुख के मुकाम पर मिल जाता है और फिर ये दोनों दरिया मंगला डैम में आकर मिल जाते हैं। पूंछ रिवर की कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। अब आते हैं आबो हवा पर। रियासत की सतह समुद्र से बुलंदी देखते हुए जो जनूब में 360 मीटर से शुरू होकर शमाल में 6,325 मीटर तक आती है, रियासत की आबो हवा मुख्तलिफ है। जनूब में खुश्क तर आबो हवा है जबकि शमाल में दर्जा हरारत में नमी रहती है। रियासत में हर 1000 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर तक बारिशें होती हैं। शुमाली इलाकों में 30 से 60% बारिशें बर्फ की शक्ल में होती हैं। मौसम गर्मा में औसतन दर्जा हरारत 20 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है जबकि सर्मा में 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 7 सेंटीग्रेड तक रहता है। शुमाल में नीलम वैली का दर्जा हरारत सर्मा में कम रहता है। उसके साथ साथ यहाँ सबसे लंबा मौसम सर्मा में देखने को मिलता है जो दिसंबर से शुरू होकर मई तक जाता है। यहाँ मौसम सर्मा में शदीद बर्फबारी होती है। जनूबी जून के इजला में मौसम निस्बतन गर्म और खुश्क रहता है। यहाँ मौसम गर्मा ज्यादा लंबा होता है जो अप्रैल से शुरू होकर अक्टूबर तक जाता है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है जो मई और सितंबर के दरमियान तक रहता है। मानसून के महीने में यहाँ काफी बारिशें होती हैं जो जून से अगस्त तक रहती हैं। यहाँ अक्टूबर से जनवरी तक एक लंबा खुश्क मौसम रहता है जो आगे चलकर जनवरी से मार्च तक सरमाई बारिशों की तरफ चला जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें। बहुत शुक्रिया।